नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। हमारे साथ हैं नैन्सी कोटनाला। तो नैन्सी कोटनाला, पहले आपने अपने जो कोर्स है उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। माय नेम इज़ नैन्सी कोटनाला एंड आई हैव जॉइन डीडीए लास्ट ईयर फॉर द क्रैश कोर्स एंड आई हैव ऑल्सो जॉइन डीडीए फॉर SSB practice for SSB. Then I have appeared for NCC Special Entry 55 in which I was recommended. For that I want to thank DDA team for giving this infrastructure and this ambience where a person can enhance its quality, even enhance me, and I guess that's the reason why I got recommended. अच्छा, जो आपका एग्जाम NCC स्पेशल है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में? या सर, NCC स्पेशल एंट्री से क्या होता है कि कॉलेज में NCC मिलती है, तो उससे क्या होता है कि सिलेक्शन होता है OTA में, जिसमें बच्चा जाके OTA में ज्वाइन कर सकता है। तो मेरी NCC थी कॉलेज में, देन आई वेंट अंडर ग्रो SSB प्रोसेस, देन उसके बाद आई गॉट रिकमेंडेशन, दो आई गॉट मेरिट आउट, स्टिल अगेन आई एम हेयर प्रैक्टिसिंग फॉर माई रिटन एग्जाम्स। दून डिफेंस एकेडमी आया आपने, उसमें पहले में कितना कॉन्फिडेंस लेवल में क्या पढ़ा? सर, मैंने जब ये SSB कोर्स ज्वाइन किया था मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट आई सीरियसली वॉन्ट टू थैंक संदीप सर एज वेल एज GTO जो है यहाँ पे रवि सर और कर्नल सर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया टू नो माई पर्सनैलिटी बेटर। मुझे स्टेज फेयर था पहले, अब नहीं है, तो आगे आके लोगों के सामने बुला बुला के विच इन्हेंस्ड मी एंड जिस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, जो जाके मैंने SSB में दिखाया, जो मैं थी मैंने वो दिखाया एंड आई लिटरली कॉल्ड देम आफ्टर माई रिकमेंडेशन एंड आई जस्ट थैंक देम कि बिकॉज ऑफ देम आई वॉज एबल टू गेट रिकमेंड। जो दून डिफेंस अकेडमी आपके लिए मॉक टेस्ट कराता है उसका कितना फायदा मिला? सर, जो दून डिफेंस अकेडमी मॉक टेस्ट कराता है, दो मेरा पेपर निकला नहीं है, थोड़े मार्क्स से रह जाता है, बट ये था कि मॉक टेस्ट से मुझे ये पता लग जाता है कि क्या कैसा पेपर आने वाला है, क्या पेपर का स्टैंडर्ड है, मैंने कितनी पढ़ाई की है, मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ। और इवन मॉक टेस्ट के बाद टीचर भी यहाँ एनालिसिस करते हैं हर चीज़ का, इवन मॉक छोटे छोटे वीकली टेस्ट के बाद भी करते हैं, जो एक बच्चे को बहुत हेल्प करता है कि उसको आगे जाके मतलब कैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और कहाँ उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है उस पर। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, कहते छोड़ यार क्या करना है इसको, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्यों जरूरी है उनके? सर, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज मॉक टेस्ट यही नहीं, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट देके हम अपना जो मेंटल स्टेट है उसको सही कर सकते हैं, कितना क्वेश्चन कितने कम प्रेशराइज में, क्योंकि आजकल सारा खेल मेंटल स्टेबिलिटी का है। तो मॉक टेस्ट देना यही नहीं कि हमारा CDS में नहीं निकला, ये आगे लाइफ में भी नॉलेज हेल्प करेगा। थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब DDA YouTube channel and don't forget to press bell icon.